धामनगर निर्वाचन नामांकन दाखल आज शेष दिन अंतिम दिन में निर्वाचन लड़ाकू राजेन्द्र दास गुरुजन आशीर्वाद नहीं से निर्वाचन लड़े और आज नामांकन दाखल करेंगे। 2019 कुचक्री गोष्ठी अल्प व्यवधान में हारी मो पर लोकों भरोसा रही राजेन्द्र कहते सेपटे आज नोमेसन फाइल करेंगे बीजेडी प्रार्थनी अवंती दास नेहरू स्टाडियम विशाल राली आसी नामांकन दाखल करेंगे। अवंती उपस्थित रे वरिष्ठ नेता धामनगर उपनिर्वाचन को लेकिन वर्तमान सरगरम राजनीति एवं आज नामांकन दाखल शेष दिन अंतिम दिन में निर्वाचन लड़ाकू राजेन्द्र दास माने बहुत सहयोग जोटा कि श्रद्धा कर ये करने विकास करने जे आपण मानक सहयोग मत तो बहु उपर आपण को रखिंट मुझ को काली जे मोर धामनगर अधिवासी जो निष्पत्ति ने मोर मुरबी माँ गुरुजन समस्त जो निष्पत्ति ने से निष्पत्ति मुझे स्वाधीन भावे आल्प समय भर स्नेह श्रद्धा मो प्रति रही सम्मान अच्छी से कहते आपण मैंने प्रार्थी हूँ आम भी आपन को सहयोग कर समय कह परवर्त समय जे आपण मैंने जानवे आपण मैंने मत बचाई मो धामनगर माँ गुरुजन समस्ते बचाई से आशीर्वाद कर स्नेह सदा कभी वृथा जीव ना सम्मान को स्नेह को आदर को केवे भी वृथा देवी ना निश्चय स्वाधीन भाव निर्वाचन लड़ी जी लोकों सहित थाए जी लोकों सहित थाए से लोकों सहित सदा सर्वदा रही चेष्टा कै आल्प समय भर मुझे स्वाधीन भाव निर्वाचन लड़ी तेबे वर्तमान धामनगर उपनिर्वाचन को नहीं आरंभ हो जाए राजनीति तीन प्रमुख दल जथा बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस निज निजर प्रार्थी घोषणा कर सारीता बेले धामनगर राजनीति आसी रोचक मोड़ तेबे नामांकन दाखल करिबे राजेन्द्र दास स्वाधीन प्रार्थी भावे से नामांकन दाखल करिबे एने गणमाध्यम को प्रतिक्रिया से नामांकन कथा कहते तेरे धामनगर विधायक विष्णुचरण सेठी देहांत पर आसंता नवेम्बर तीन तारीख में होगाक बेले निर्वाचन तेरे गत काली शासक दल एवं कांग्रेस तार प्रार्थी ना घोषणा कर ए संपर्क में अधिक आलोचना विवेकानंद अच्छा जगबंधु भी अच्छा मो दुई सहयोगी आलोचना करने प्रथम विवेकानंद आपण पाक आसबि धामनगर निर्वाचन को लेकिन वर्तमान राजनीति सरगरम रही आज हूँ अंतिम दिन निर्वाचन लड़बार जो नामांकन भरवार तेज खास करी जो रोचक मोड़ आसी राजेन्द्र दास को लेकिन से जहाँ सूचना दे गणमाध्यम को के से स्वाधीन भाव नामांकन दाखल करेंगे और निर्वाचन लड़े रुक्णी सब कल्पना कल्पनार अंत घटी राजेन्द्र दास स्वाधीन भाव नामांकन पत्र दाखल करेंगे कि नहीं जो चर्चा चली गत काली चर्चा भूमिका पड़ी तेज राजेन्द्र दास निजे प्रतिक्रिया रखिंटे नामांकन पत्र स्वाधीन भाव दाखल करेंपरिया धामनगर उपनिर्वाचन पापाग संपूर्ण सरगरम हो अंपटे देखा बर्तमान परिस्थिति जहाँ रही कैमेरामैन को सीधा सह चित्र देखिए ये हूँ राजेन्द्र दास का बासभवन चित्र कौली भाव से समर्थक वर्षीभूत होती आज किसी समय पर पूर्वतन विधायक राजेन्द्र दास नामांकन पत्र दाखल करेंगे जो भाई स्थिति रही आपड़ देखिपे शताधिक समर्थक वर्षा एकजुट होती राजेन्द्र दास एक विराट पटुआर में जिते और स्वाधीन भाव नामांकन पत्र दाखल करेंगे। अंपटे जब कह राजेन्द्र दास को समर्थक मैंने जो अड़ी बसते से स्वाधीन नामांकन पत्र दाखल करते बर्तमान स्थिति भी सामान आसी निश्चित भाव में आम जब कह आम सहित अमृतर राजेन्द्र दास को बासभवन अच्छे आम सहित वरिष्ठ नेता अच्छा सीधा सख आलोचना करवा आज्ञा कौन कहे राजेन्द्र दास आज सब कल्पना कल्पना अंत घटे राजेन्द्र दास नामांकन पत्र दाखल कौन कहे निश्चित भाव में सीधा सह राजेन्द्र दास को घर भर को जी चेषा करूचु कौन रही स्थिति आप देखिपे बर्तमान जो भाव
राजेन्द्र दास को मनैया जो बीजेड तृतीय महलार नेता मान आने फेल मार सीधासख से आम सहित आउ कि नेतृत्व अच्छा सीधासख आलोचना करदे घटी राजेन्द्र दास बहुमूल्य समय बीजेपी दीर्घ सात आठ वर्ष बीजेपी को सक्रिय करने चेस्टा कर विश्वास रहा करते पुणी टिकेट नदवा स्वाभिमान बहुत क्लास आेणु आम दृढ़ समर्थक मैंने आज एट उपस्थित स्वाधीन प्रार्थी भाव निश्चित भाव आप शुणुले समर्थक मैंने अच्छा जे राजेन्द्र दास को बर्तमान सिस्टम पर स्वाधीन प्रार्थी पत्र दाखल करेंगे अंपटे जब कह समर्थक मान गोटे नारा रही राजू ना भोट ना आपतिक समर्थक बर्तमान रुंडीभूत होती तेरे निश्चित आम आउ जन समर्थक अच्छा राजेन्द्र दास आउ जन समर्थक अच्छा आम टाकस सीधा सख आलोचना करवा कौन रखिए प्रतिक्रिया बर्तमान स्थिति कौन रही धामनगर बर्तमान राजेन्द्र दास बर्तमान सर्विसन आम पत्र राजेन्द्र कुमार दास निश्चित भाव में देखा चाहे राजेन्द्र दास नामांकन बाहर कैमरामैन को कहे सीधा सह चित्र देखे राजेन्द्र दास बाहर नामांकन करने आप देखिपे चित्र मध्यम राजेन्द्र दास नामांकन बाहर समर्थक मान देखिपे चित्र राजेन्द्र दास बर्तमान घर बाहर हजार हजार समर्थन से बर्तमान नामांकन पत्र दाखल करने बाहर अंपटे जब कह आम सहित आ महिला प्रतिक्रिया लोक समर्थन से ढड़ा होती देखते निहाती भाव में विवेकानंद आम देखी पारु राजेन्द्र दास समर्थक मध्य उत्साह उत्कंठा लगी रही आपण पाखु फेरबू बर्तमान आम जा जगबंधु पाखक जगबंधु आज हूँ नामांकन दाखल शेष दिन अंतिम दिन में ही निर्वाचन लड़ाक कहते राजेन्द्र दास तेज बर्तमान राजनीतिक पापाग आप देखुं जगबंधु उपनिर्वाचन धामनगर उपनिर्वाचन कथा कह तेज आज अंतिम दिवस जी नामांकन पत्र दाखल दिवस से आज बीजेडी प्रार्थीपत्र दाखल कराया आम सहित अच्छा जिला युव जिला सभापति तेज सहित आलोचना करेंगे बर्तमान जहाँ बीजेडी स्ट्राटेजी रही गोटे पटे असंतुष्ट राजदास अच्छे तेज बीजेडी पक्षर कौन स्ट्राटेजी रोक के निर्वाचन रणांगन आप जो प्रार्थी दीजिए आप महिला कार्ड खेली बीजेपी तरफ महिला कार्ड खेल गोटे पटे पुओ रही अंपटे बीजेपी असंतोष गोष्ठी निहाती भाव में आपको अटकवाक चाहिए आम विवेकानंद जावा विवेकानंद बर्तमान सेठार स्थिति कौन रही जदि आम देखा राजेन्द्र दास समर्थकों मध्य उत्साह बढ़े लगी स्थिति कौन रही सेठार राजेन्द्र दास सहित सीधा सड़क आलोचना करवा दल विभिन्न समय राजेन्द्र दास सहित अन्याय कर आज किंतु से अन्याय बर्दाश्त कर पारे ना स्वाधीन प्रार्थी किंतु देखुं अनुरोध कर लगे बर्तमान
निश्चित भाव आपण शुणुले राजेन्द्र दास भाई प्रतिक्रिया अन्य पटे जदि कह राजेन्द्र दास जो नामांकन पत्र दाखल करने जाती राजेन्द्र दास गुरुजन का आशीर्वाद नहीं से निर्वाचन लड़ा को जाऊंक समर्थकों मध्य उत्कंठा बढ़वे लगी आशा भी रखिंट कि से ही निर्वाचन बैतरणी पार करेंगे आपण को अटकवाक चाहिए आम जा जगबंधु पाखक जगबंधु जदि आम देखा आज नामांकन भरवे बीजेडी प्रार्थी जी अच्छा अवंती दास नोमिनेशन जो फाइल करेंगे नेहरू स्टेडियम विशाल राली आयोजन करा जाय छी तबे प्रस्तुति आपण की भेर देखु छथि आ केते बेर से नॉमिनेशन फाइल करबे ताकर जो बीजेडी दल रपुर आज नॉमिनेशन समय छला 10:30 मिनिट एक शोभायात्रा बाहरिवो नेहरू स्टेडियम तबे एबे समय पार हे जाय छी धीरे धीरे नेता को भीड़ जमे जति हम कहबा बस्ता जो संगठनिक संपादक से मते आसी पहुंची छथि एबली जो मंत्री अछि राजा सर से मते आसी पहुंचे छथि जिला जो पांच विधायक से मध्य पहुंची जाते हैं एक आलोचना चलिए तेज शिविर बर्तमान उत्पता अच्छी आम कह गोटे पटे जो दुई दिन पूर्व राजू दास मुक्ति मंडल एवं एम जो ना आसी अवंती दास बचा पर एक आलोचना कर अवंती दास को प्रार्थी भाव प्रार्थी भाव घोषणा करवर्ती समय जो गोटे दिन पर राजू दास पुणी असंतोष मुंड टेकिले राजू दास जिते निजे प्रार्थी हे मनोनीत हेले समर्थक प्रेसर से प्रार्थी है चिंता कले से समय को नहीं बर्तमान पर्यटन उत्पता देखा दी बीजेडी शिविर निश्चित भाव से बीजेडी शिविर में बर्तमान जो आलोचना चलिए आ कि समय पर बाहर शोभायात्रा अवंती दास जी नामांकन पत्र दाखल करेंगे जहां बर्तमान पच्चीस पार्टी आम बर्तमान अच्छू एक घरे होटेल जहाँकि स्थानीय नेहरू स्टेडियम पाखे बर्तमान समस्त नेता भिड़ जमुई धीरे धीरे समस्त आसुच्चों प्रस्तुत होमती गोटे विशाल शोभायात्रा विशाल शोभायात्रा शांतिपूर्ण भाव में जाए नामांकन पत्र दाखल करेंगे गोटेपटे पूर्वतन विधायक तथा बीजेपी असंतुष्ट राजेन्द्र दास जिते प्रार्थी पत्र दाखल करेंगे से ही समय आज बीजेडी अवंती दास प्रार्थी प्रार्थी पत्र दाखल करेंगे तेज निश्चित भाव एक उपजिलापाल परिसर एक रोचक मूल देखा मिल तो ये आम आलोचना करवा वर्तमान जो स्थिति रही बीजेडी असंतुष्ट ढड़ा होता बेले गोटे पटे विष्णु सेठी पुत्र बर्तमान बापा सिंपाति नहीं ढड़ा होती बीजेडी महिला कार्ड खेली से संपर्क में समस्ते आज एकत्रित होती महिला ठार आरंभ कर युव बीजेडी समस्ते एकत्रित होती केमी एक विशाल शोभायात्रा केमी बीजेडी की जितेबे कौन बर्तमान गोटे कथा पचारि बुझा तो बीजेडी असंतुष्ट आज नामांकन पत्र दाखल करते पूर्वतन विधायक राजेन्द्र दास अंपटे बीजेडी नुआ मुह आ महिला कार्ड खेला जाती आपण जड़े राज्य विजु जनता दल युव संपादक तेज केमी स्ट्राटेजी रखिंट केमी निर्वाचन रणांगन पार हो साधारण महिला को गोटे मां को सम्मान दे साधारण महिला को आज विधायक प्रार्थी कर साधारण विधायक प्रार्थी कर एक यार एक सन्देश देवा चाहते साधारण लोक ऊपर को आई मां को ऊपर को उपर स्तर को आई सब से बद्धपरिकर समस्त भितर से सामानता रक्षा करा चाहते टिकेट चयन प्रक्रिया आरंभ होता टिकेट चयन प्रक्रिया समय बहु उच्च स्तरीय नेता समेत जो जिलार रही विधायक तेज गोटे बैठक होता बैठक में राजू दास संपुक्त थे पूर्वतन विधायक मुक्तिमंडल थे तेज से जो बैठक में आलोचन सब कुछ समाप्त होता पर लगता है परवर्त समय पुणी राजू दास आपमी विचार दलर उच्च नेतृत्व अच्छा जो मान सहित कथा है कथा है आज का डेट कार्यक्रम दलर उच्च नेतृत्व नजर रखते निश्चित जहां आप
ଦଳୀୟ ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ଯୋଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏବେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅମନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଇବେ, ତାଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବେ, ତାକୁ କେମିତି ଜିତେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପିର କର୍ମୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତତ୍ପର ରହିଛନ୍ତି। କି ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ବିଜେଡି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରାଜୁ ଦାସ ଯୋଉ ନମିନେସନ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ନମିନେସନ ପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କଣ ରହିବ, କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ କେତେ ଦୂରରେ ସାଉଁଟି ପାରିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଚାର ବିମର୍ଶର କଥା ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଜଗବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ୍ କରିବେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବନ୍ତୀ ଦାସ ଏବଂ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଯିଏ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କେତେବେଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି, କୌଣସି ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି କି? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ନାମାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇସାରିଲେଣି, ରାଲି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତୃତୀୟ ମହଲାର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ। ଫେଲ୍ ମାରିବା ପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପଟୁଆରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯଦି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଯାହା ରହିଛି ସିଷ୍ଟମ, ଯଦି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଯାହା ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯଦି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ଟିକପ ହେଇ ରୁହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ରକ୍ଷା ନେଇ ପୁରା ଚୂଡାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେଡି ବେକରେ କଣ୍ଟା ଉଠିବ। ଯେମିତି କହିବା ଆମେ ସୁପ୍ରିମୋ ଯୋଉ ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସ ହେବେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ବିଜେପି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ସିମ୍ପାତି ଭୋଟର ଯୋଉ କାର୍ଡ ଖେଳିଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୁଅକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ସିଏ କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ କଥା ଯଦି କହିବା, କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ମାଟିର ପୋକୁ ଦେଇଛି, ଧାମନଗର ମାଟିର ପ୍ରଥମ ତର କରି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ତାର ଗୋପୀଚରଣ କେମିତି କରୁଛି ତାହାକୁ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଣିପାଗ ସରଗରମ ହେଉଛି, ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବା ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି, ଯଦି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେଡି ବେକରେ କଣ୍ଟା ଆସୁଥିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଯାହା ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଗରମ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ଦଳ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବ୍ୟତୀତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଣନୀତି ଅଙ୍କ କଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଖବର ସହ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।